जमीन पर धरती पर 72 नफूसे कुदसिया को राहे खुदा में कुर्बान नहीं करते तो आज इस्लाम का सही चेहरा हमारे सामने नहीं आ पाता। एहसान इमाम हुसैन का है और इमाम हुसैन ने जैसे ही करबला के धरती पर अपना कदम रखा है, जैसे ही आगे बढ़ते हैं देखते हैं कि यजीद की तरफ से जो मेरे मुकाबले में आया है कोई रिश्ते में मामू लग रहा है, कोई रिश्ते में फूफा लग रहा है, कोई रिश्ते में चचा लग रहा है। इमाम हुसैन समझ गए कि मामला आज कुछ उल्टा लग रहा है। तभी इमाम हुसैन ने फलसफा को बदला है। इमाम हुसैन ने कहा आज तक ये होता आया है कि जो कट जाता था वो हार जाता था, जो काट देता था वो जीत जाता था। करबला के मैदान से इमाम हुसैन एक इस फलसफा को बदलना चाह रहा है। करबला के जमीन पर इमाम हुसैन ने कहा कि आज ये फलसफा बदल जाएगा, आज ये सिस्टम बदल जाएगा, आज मैं इस सिस्टम को बदल दूंगा। इसलिए करबला में जो कट जाएगा वो जीत जाएगा, जो काटेगा वो हार जाएगा। हुआ करबला में इमाम हुसैन कट गए। हाँ, बड़े लोग आए कि ताकि जो लोग हम तक पहुंच जाएं, वो हम कोई हलचल सी बानी तो है कि नहीं, आप समझ रहे हैं। हाँ, तो हजरत सिवानी के बाद बच्चों को भेजिएगा। हजरत तो इमाम हुसैन ने फलसफा को बदल दिया है। इमाम हुसैन करबला के जमीन पर, करबला की धरती पर बजाहिर कट गए लेकिन जीत गए। और यजीद काट कर भी, बोलिए ना भाई, यजीद काट कर भी हार गया है। पता ये चला ये काम सिर्फ नबी के घरानों से होता है, जो सिस्टम को बदल दे। तभी तो यजीदी यजीद को भी मालूम था कि मेरी हुकूमत लीगल नहीं है, इलीगल है। लीगल नहीं है, इस्लाम का एक तौर है, तरीका है कि जो उसके हकदार होता है वही खलीफा बनता है। हजरत अमीर मुआविया खलीफा थे, मेरे आका के खलीफा थे, लेकिन अमीर मुआविया के विसाल के बाद यजीद उनका बेटा था, जबरदस्ती खलीफा बन गया था। उसे मालूम था कि मेरी खिलाफत और मेरी हुकूमत जो है लीगल नहीं है, इलीगल है। तभी उसने चाहा कि अगर इमाम हुसैन मेरी बैत कर ले तो मैं जी चाहता है। थोड़ी सी आवाज बढ़ाइए, थोड़ी सी आवाज, थोड़ा सा रिटर्निंग दे दीजिए, रिटर्निंग दीजिए, बहुत अच्छा बजा रहे हैं। हम दुआ कर देंगे अल्लाह ताला आपको ऊपर पहुंचा देगा। गड़बड़ हो गया क्या? अरे ऊपर का मतलब थोड़ी होता है कि दुनिया से चला जाए, ऊपर का मतलब होता है कि अल्लाह तरक्की दे दे। यही ना होता भाई। आप लोग तो ऐसे बिल्कुल दिल पर ले लेते हैं, बिल्कुल सीरियस हो जाते हैं। आप टेंशन मत लीजिए, हाँ मुस्कुरा कर आप सुने, माशाल्लाह बहुत अच्छा। थोड़ी सी 1% आप मोहब्बत पेश कीजिए, 10 रुपया हमसे ले लीजिएगा। हाँ जरा वहां मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। कि मदीने में जाने को जी चाहता है, पीछे वाले भी बोलिए कि मदीने में जाने को जी चाहता है। अरे मदीने में जाने को जी चाहता है, मुकद्दर जगाने को जी चाहता है। अरे मुकद्दर जगाने को जी चाहता है, अरे मदीने में जाने को जी चाहता है। नारे तकबीर या रसूल अल्लाह, पकड़िए या हुसैन, या हुसैन, हाथ उठाकर, हाथ उठाकर बोलिए या हुसैन। माशाल्लाह, मदीने में जाने को, हाँ हाथ उठाकर आपको आधी लाइन बोल देना है। आज मैं चाहता हूं कि जिक्र शहादत कॉन्फ्रेंस के इस बैनर तले और ये मीर शिकार टोला से एक पैगाम पहुंच जाए कि मीर शिकार टोला में जो लोग आते हैं वो भी नाद पढ़ना जानते हैं।
आधी लाइन आप पढ़िएगा, जी चाहता है इतना पढ़ेंगे कसम खुदा की, मेरे आका ने करम फरमा दिया तो बगैर पासपोर्ट के मदीना पहुंच जाएंगे। कि मदीने मदीने में जाने को, हाथ उठाकर पूरा मजमा, मदीने में जाने को जी चाहता है। माशाल्लाह मेरे रूट पे खतीब अहले सुन्नत अल्लामा ज़फ़रुल हसन साहब कुबला की आमद हो गई, वापस से बोल दें सुभान अल्लाह। मदीने में जाने को जी चाहता है। और बड़े भाई सना खान मुस्तफा हजरत हाफिज नौशाद साहब कुबला की दुआएं लेता हूं, एक शेर हर आशिक रसूल की दी की ख्वाहिश सुने, इससे यहां से सुने कि जहां जलवा फरमा है मेरे पयंबरे, अरे जहां जलवा फरमा है मेरे पयंबरे, वही घर बनाने, अरे वही। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायरे इस्लाम हजरत अब्दुल्ला इमामी, हजरत अब्दुल्ला इमामी, शहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, शहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, या हुसैन या हुसैन या हुसैन। मदीने में जाने को, पीछे वाले आप कब बोलिएगा, जब हम इंतकाल कर जाएंगे तब बोलिएगा, हाँ मोहब्बत से बोलिए कि मदीने में जाने को जी चाहता है। शेर सुने नाक का शेर, के तेरे मुस्तफा का वो एक एक जरिया, अरे तेरे मुस्तफा का वो एक एक जरिया, अरे नजर में बसाने, अरे नजर में बसाने को जी चाहता है, अरे नजर में बसाने को जी चाहता है, अरे मदीने में जाने को। आप जरा ठंडा मत पड़िए, अभी बारिश आज यहाँ नहीं हुई है, मौसम का कोई असर नहीं है, पूरा माजमा मोहब्बत के साथ हाथ उठाकर बोलिएगा कि मदीने में जाने को वही घर बनाने को जी चाहता है। और एक शेर पढ़ता हूँ, आज जिक्र शोदाए करबला है, मैं नाक का शेर पढ़ता हूँ, उस नाना के हुजूर इमाम हुसैन की नाना की बारगाह में पढ़ता हूँ, जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। कि दुरूदों की डाली लबों पर सजा ले, अरे दुरूदों की डाली, अरे दुरूदों की डाली, अरे लबों पर सजा ले, मुस्कुराने को जी चाहता है, अरे जिसे मुस्कुराने, अरे जिसे मुस्कुराने, अरे जिसे मुस्कुराने को जी चाहता है। मदीने में जाने को जी चाहता है, वही घर बनाने को
जी चाहता है। और एक शेर पढ़ता हूँ सुने, साहब के दरवाजे पर हूँ इसलिए मैं एक शेर पढ़ता हूँ कि मुसाफिर जो तैबा के हैं उनके खातिर। चचा बड़ी मोहब्बत है, अल्लाह आपको सलामत रखे, जजाए खैर अता फरमाए, इसका बदला अल्लाह दुनिया में अता फरमाए। हजरत मोहतरम, मैं हजरत हाफिज उकारी नौशाद साहब के हवाले से, इन्होंने अपनी माथे के निगाहों से गुंबद खजरा की ज्यारत की है जुबान। सैफुल हसन साहब खुला की दुआएं लेता हुआ एक शेर सुने नाद का, जरा मोहब्बत से बोले हैं। मुसाफिर जो तैबा के हैं उनकी खातिरे, अरे मुसाफिर जो तैबा, अरे मुसाफिर जो तैबा के हैं उनकी खातिरे, मुसाफिर जो के बिछाने को जी चाहता है, ये पल के बिछाने, ये पल के बिछाने, ये पल के बिछाने, ये पल के बिछाने को जी चाहता है। हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन, मदीने में जाने को जी चाहता है, वही घर बनाने को जी चाहता है। और मक्का पढ़ता हूँ सुने, या अल्लाह काश वदीन आ जाए आज नबी के दीवानों को, आज ये मिर शिकार टोला में नबी की नाद को नबी के दीवानों को सुनाते हैं। या अल्लाह काश की वदीन आ जाए नबी की नाद नबी को सुनाए। पहुंचे आप वहां पहुंचे, नबी की नाद नबी को सुनाए, सामने सरकार का रौजा हो, हम आशिक खड़े हो जाएं अदब से, आज हिंदुस्तान में रहकर वैशाली बिहार में रहकर नबी की नाद नबी के दीवानों को आशिकों को सुनाते हैं। काश वो दिन आ जाए कि नबी की नाद नबी को सुनाए। सुने मक्ता पढ़ता हूँ, मदीने में जाने को जी चाहता है, वही घर बनाने को जी चाहता है, और शहीदी के रोजे पे जाकर इमामे, अरे शहीदी के रोजे, अरे शहीदी के रोजे पे जाकर इमामे, शहीदी के रोजे बचा कर मामी, अरे ये ना तब सुनाने को जी चाहता है, ये ना तब सुनाने, ये ना तब सुनाने, ये ना तब सुनाने को पूरा मजमा मोहब्बत से बोले हाथ उठाकर, ये नातब सुनाने को जी चाहता है।